आज की वीडियो में बात करेंगे साउथ कोरियन कल्चर के बारे में, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। However, remember this is only a very basic overview level introduction to Korean culture. It cannot account for diversity within South Korean society. दोस्तों, साउथ कोरिया एक स्मॉल कंट्री है बिटवीन चाइना एंड जापान। दोस्तों, जापान ने साउथ कोरिया पर 35 साल रूल किया। उसके बाद 1945 में साउथ कोरिया इंडिपेंडेंट हुआ। उस समय साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा गरीबी थी। फार्मर की हेल्प की वजह से साउथ कोरिया गरीबी से बाहर निकला। आज के समय में साउथ कोरिया एकमात्र ऐसा देश है जो कि अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड बन चुका है इतनी जल्दी। और आज के समय में साउथ कोरिया 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्लोबली। दोस्तों, हम 6 पॉइंट्स के जरिए साउथ कोरिया को डीपली समझेंगे। लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, फेस्टिवल, फूड एंड लास्ट में 9 ऐसी बात बताऊंगा जिसे हर साउथ कोरियन पीपल फॉलो करते हैं, और जो भी पर्सन साउथ कोरिया विजिट करना चाहता है उसे भी इन कल्चर या नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज की। दोस्तों, साउथ कोरिया में कोरियन लैंग्वेज बोली जाती है एंड हैंगुल इज द नेम ऑफ कोरियन अल्फाबेट। दोस्तों, साउथ कोरिया में 5 मेजर डायलेक्ट बोले जाते हैं, पर वहाँ के लोग इन सभी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। इसके अलावा वहाँ पर चाइनीज एंड जापानीज भी बोली जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वहाँ के कल्चर के बारे में। कोरिया ग्रेटली इन्फ्लुएंस है चाइनीज एंड जापानीज कल्चर से। वहाँ के लोग बहुत ही सिंसियर एंड लॉयल माने जाते हैं। अगर उनसे कोई हेल्प मांगता है तो वह दिल से हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। दे फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट वाइल मीटिंग, ईटिंग, पेयरिंग और इवन सेलिब्रेटिंग। बाकी देशों में हाथ जोड़कर किसी का अभिवादन किया जाता है, पर साउथ कोरिया में हमेशा सिर झुकाकर अभिवादन किया जाता है। कोरियन पीपल अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वहाँ की फैमिली में फादर लीडर होते हैं और जितने भी बच्चे 20 साल से ऊपर की एज के होते हैं वह अपने पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, और ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स की सेवा करना वह अपनी ड्यूटी मानते हैं। कोरियन वुमेन्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन मेन। 48% फीमेल्स वर्क आउटसाइड फॉर देयर लाइवलीहुड। दोस्तों, अगर साउथ कोरिया में कोई किसी को गिफ्ट देता है तो दोनों हाथों से देता है, और सामने वाला जब रिसीव करता है तो भी वह दोनों हाथों से ही रिसीव करता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो इसे बहुत ही बुरा माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वहाँ के रिलीजन के बारे में। कन्फ्यूजियनिज्म, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी आर द मेन रिलीजन ऑफ साउथ कोरिया। बुद्धिज्म इज द रिलीजन इन कोरिया विद मोस्ट फॉलोअर्स एंड इट्स टीचिंग हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन कोरियन लाइफस्टाइल, कल्चर एंड आर्ट। यंगद्रुंग इज अ मेन सिंबल ऑफ कोरियन बुद्धिज्म एंड कैन बी फाउंड इन ऑल टेम्पल्स इन कोरिया। दोस्तों, अब बात करते हैं वहाँ के फेस्टिवल के बारे में। दोस्तों, साउथ कोरिया में फेस्टिवल्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डोंगजी एंड हांसी वहाँ के फेमस फेस्टिवल हैं, और वहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल फार्मर्स को डेडिकेट करने के लिए भी मनाए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं साउथ कोरियन फेमस फूड के बारे में। तो बिबिम्बैप, बुलगागी, डगालबी एंड किमची वहाँ के फेमस फूड्स हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे 9 काम या नॉर्म्स जिन्हें साउथ कोरियन पीपल फॉलो करते हैं। पहला, अगर आपको वहाँ पर किसी को गुड बाय कहना है तो दोनों हाथों का यूज करके ही कहना होता है, अदरवाइज इसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। दूसरा, वहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की शॉप्स देखने को मिलेंगी। वहाँ पर गली गली में इस तरह की दुकानें देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ के लोग अपने फेस को लेकर और अपनी सुंदरता को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तीसरा, मेन आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर फेस एंड कलर देन वीमेन। चौथा, अगर आप वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपको जो भी सर्व किया जाएगा उसे आप कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे, नो मैटर हाउ वुड यू ईट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे भी इंसल्ट माना जाता है। पांचवा, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ही ज्यादा स्लिम होते हैं, मैन हो या वीमन। आपने मूवीज और वेब सीरीज में भी देखा होगा, वहाँ पर जितने भी मोटे लोग होते हैं उन्हें आलसी कहकर बुलाया जाता है, मतलब मोटा होना अपने आप ही इंसल्ट करने जैसा है। सिक्स, वहाँ के लोगों को डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है। वहाँ की गलियों में आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा जिसे डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है, और इसका एक वजह BTS डांस ग्रुप भी है जो कि वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। सेवन, साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 51 मिलियन है, पर आपको ये सुनकर बहुत अजीब लगेगा कि वहाँ पर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के नाम के पीछे किम लगता है। मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसका कोई संबंध नॉर्थ कोरिया से है, पर यह एक फैक्ट है कि वहाँ पर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के नाम के पीछे किम लगता है, और उसके बाद जो दो लास्ट नेम है वह है ली एंड पार्क। 8. If you ever visit South Korea, never use number 4, because जो number 4 है वो South Korean language में death के similar माना जाता है, इसलिए number 4 को कभी भी use नहीं किया जाता है। वहाँ के lift में भी number 4 कभी नहीं होता है। दोस्तों, साउथ कोरिया में आप बिना किसी के कंसेंट के उसकी पीठ नहीं थपथपा सकते, ना ही उसे टच कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो इसे क्राइम समझा जाता है। तो दोस्तों, बस ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट साउथ कोरिया एंड इट्स कल्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ। धन्यवाद।